तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जियो फोन का नया मॉडल है F320B, उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो क्या कुछ चेंज आया है वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप अपडेट करने से पहले वाला लुक देख लीजिए और उसके बाद में क्या कुछ चेंज आता है वो मैं आपको बताऊँगा। और जियो फोन लेने के बाद भी ये दूसरा अपडेट है जो मुझे यहाँ पर मिला है। अपडेट करने से पहले जो वर्जन है वो iOS 2.5.3.2 है। मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करके छोड़ दिया था, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका था। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ इसमें चेंज होता है या फिर नहीं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और काफ़ी लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि जो जियो फोन के F320B में फीचर्स हैं वो आपको जियो फोन 1 या फिर जियो फोन 2 में मिलेंगे या नहीं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अभी ये जो बूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब जियो फोन की अनबॉक्सिंग की थी तब मैंने अपडेट नहीं किया था, वहाँ पर आप देखोगे तो अलग ही एक बूट एनिमेशन मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके जस्ट बाद में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आया था तो ये वाली बूट एनिमेशन भी यहाँ पर मिल चुकी थी। तो अभी ये जो है कंप्लीट हो चुका है अपडेट हमारा। वर्जन अभी भी सेम है, iOS 2.5.3.2 है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर वीडियो स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, तो मेन्यू में जब आप एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाते हैं तो बैकग्राउंड में ये जो है अभी वो आपको वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले अलग कलर में आता था जैसे ही किसी ऐप पर हम जाते थे। आप वीडियो की स्टार्टिंग में जाकर के चेक कर सकते हो। और जियो सावन, जियो टीवी और जो जियो गेम्स है वो पहले इंस्टॉल्ड नहीं थे स्क्रीन पर, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। कैलकुलेटर और यूनिट कन्वर्टर जो है वो पहले आपको यूटिलिटी के एक ऐप मिलती थी उसमें मिलते थे, लेकिन अभी ये अलग से आ चुके हैं और वो यूटिलिटी वाली जो ऐप है वो यहाँ पर जा चुकी है। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। जो ऐप के पीछे का बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेक कर सकते हो, और साथ में यूटिलिटी वाला ऐप था वो भी आप देख सकते हो। बाकी ये आप देख सकते हो आप नॉर्मल है, पहले जैसे ही कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी और फीचर जैसे मुझे पता चलेंगे मैं आपको जरूर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो गूगल मैप का जो आइकन है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, कुछ ही देर के लिए हुआ है ये। जब आप कोई भी नया ऐप डाउनलोड करते हो उसके बाद हम फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो तब भी ऐसा होता है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, 2-3 ऐप्स जो वो स्क्रीन पर आ चुके हैं, यूनिट कन्वर्टर और कैलकुलेटर भी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और जियो स्टोर भी बिल्कुल पहले जैसे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। बाकी ये फीचर्स आपको इसमें पहले भी मिलते थे, सेटिंग्स वगैरह वाले जो ऑप्शन है वो आपको पहले भी मिलते थे। ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो। और गूगल मैप का जो आइकन है वो भी अभी ठीक हो चुका है, कुछ देर के लिए रॉकेट जैसा हो गया था। और इसके अलावा मुझे नोट ऐप में भी एक चेंज देखने को मिला था, हो सकता है ये पहले भी हो, मैंने ध्यान ना दिया हो, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हो। जब हम नोट ऐप को ओपन करते हैं तो शुरुआत में कुछ अलग सा ही आइकन यहाँ पर ओपन होता है आपके सामने। बाकी कीबोर्ड में इमोजी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ इसमें नया नहीं है। और अगर कुछ नए फीचर्स मिलते हैं तो मैं आपको जरूर से वीडियो बना करके बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे आज नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।